बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन। आई एम योर साइंस टीचर सर शिनाख्त अली। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट इंट्रोडक्टरी क्लास वी हैव डिसाइड हाउ मैनी यूनिट्स वी कवर्ड इन दिस सेशन। तो आज जो है वो बाकायदा तौर पर इस बुक का आगाज़ करते हैं। दिस बुक इज़ रिटन बाई डेविड कॉपर एंड इट दिस बुक इज़ पब्लिश बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो आज बाकायदा तौर पर इस बुक का आगाज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, वर्क अगर इंग्लिश में हम देखें, वर्क मीन काम, बट इन साइंस वर्क हैज़ सम डिफरेंट मीनिंग। साइंस में कब हम कहते हैं कि किसी वर्क हुआ है, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और बॉडी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो हम कहते हैं कि बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है। हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द बॉडी, कितना वर्क हुआ है बॉडी पे, इट डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, कि वो उस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगी और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट टेल्स अस वर्क ऑन द वर्क डन ऑन द बॉडी। सो तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम वर्क की डेफिनेशन देखना चाहें, तो वर्क इज़ डन व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो प्यारे बच्चों, वर्क जो है वो आपको क्लियर हो गया कि वर्क क्या होता है। अब हम देखते हैं वर्क की कुछ एग्जांपल। अब एक वॉल है, एक आदमी वॉल को पीछे से पुश कर रहा है, लेकिन वॉल जो अपनी जगह से आगे पीछे मूव नहीं कर रही, तो इन साइंस हम कहेंगे कि उस वॉल के ऊपर कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। क्यों? फोर्स तो लग रही है, नो डाउट, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही, इसलिए वर्क जो है वो ज़ीरो है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक ट्रॉली है, ट्रॉली को एक आदमी पीछे से पुश कर रहा है, तो ट्रॉली जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के ऊपर वर्क परफॉर्म हुआ है। तो सिमिलरली अनदर एग्जांपल, सपोज ये टेबल के ऊपर एक ब्रिक पड़ी हुई है, ब्रिक के ऊपर एक आदमी जो है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जब पीछे से पुश किया तो बॉडी जो है वो थोड़ा डिस्टेंस जो है वो मूव करके आगे चली गई, मतलब कि फोर्स लगाने की वजह से बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है। तो इन सिंपल वर्ड्स वर्क की डेफिनेशन क्या है, कि वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर एक आदमी सुबह से बास्केट उठा के खड़ा है या फूल के बकेट उठा के खड़ा है, तो अगर वो मूव नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि उसने ज़ीरो वर्क किया है, कोई काम नहीं उसके ऊपर जो है वो परफॉर्म हुआ है। काम उसी सूरत में होगा जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करे। अब वर्क जो है वो बच्चों मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें, तो वर्क जो होता है, सॉरी इसको हम रेज करके, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड। तो मैथमेटिकली वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्टेंस को S से। सो मैथमेटिकली वर्क डन जो है कैन बी रिटन एज W इज इक्वल टू F क्रॉस S। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ वर्क। डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज़ कॉल्ड द वर्क डन। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, यू डू वर्क वैन एवर यू राइट, टाइप, वॉक टू स्कूल, लिफ्ट योर स्कूल बैग और गो फॉर अ स्विम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क। तो इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ वर्क को मेजर कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, 1960 के अंदर पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। जैसे मैथ जो है वो केजी के अंदर मेजर किया जाता है, टाइम सेकंड्स के अंदर मेजर किया जाता है, लेंथ को मीटर्स के अंदर मेजर किया जाता है, सिमिलरली वर्क को जो है वो हम किस चीज़ में मेजर करेंगे।